हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 75 से यहाँ पर 90 क्वेश्चन तक 76 से 90 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो ध्यान से समझते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज ओनली फॉर व्हाट? कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड का मतलब आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फिनोल ही आपका कौन दिखाएगा? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। और कोई भी आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं दिखाएगा, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों? तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं यहाँ पर 77। देखो C5H12L और O, इसके कितने मेटामर्स बनेंगे? मेटामर्स बताना है। मेटामर्स का मतलब इस तरफ फंक्शनल ग्रुप अलग और इस तरफ फंक्शनल ग्रुप अलग। तो कैसे करेंगे बच्चों? पहला एक मेटामर्स आपका ये भी बन सकता है CH2CH2OCH2CH3, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आपका क्या बन सकता है? CH3OCH, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर CH2CH2CH3। सेकंड आपका CH2CH2CH2CH3, ये हो जाएगा दूसरा मेटामर। तीसरा मेटामर आपका क्या होगा बच्चों? CH3CCH3OCCH3CH2CH3, यह हो जाएगा आपका तीसरा मेटामर। आपका चौथा मेटामर क्या हो जाएगा बच्चों? CH3CCH3CH3CH3CH3, यह हो गया आपका चौथा, यह हो गया आपका फोर्थ मेटामर्स। यहाँ पर टोटल कितने मेटामर्स बनेंगे? आपका फिफ्थ मेटामर्स आपका कौन सा बनेगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे। देखो CH3O, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक बार पोजिशनल बना लो, इसका एक बार पोजिशनल बना लो। CH2CH2, ठीक है, CH2CHOC2H5OC2H5, और यहाँ पर CH3, ये एक मेटामर बन जाएगा। और अब इसका पोजिशनल बना लो, टोटल कितने मेटामर्स बनेंगे बच्चों? यहाँ पर 6 मेटामर्स, CH2CHOCH3CH2CH3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम इसके टोटल नंबर ऑफ मेटामर्स हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मेटामर्स आपके क्या होते हैं बच्चों? कि दोनों तरफ के चेन में आपके डिफरेंस क्रिएट हो। यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पर ये पहले से अलग है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस तरफ ग्रुप अलग है, इस तरफ ग्रुप अलग है। मतलब हर कंडीशन में आपका ग्रुप अलग होता जा रहा है। और मेटामर आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, और स्ट्रक्चरल आइसोमर होने की वजह से इन सबके IUPAC नेम भी आपके क्या होंगे बच्चों? डिफर कर जाएंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों एक एक करके, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 78 आपका क्या बोलता है देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है आपको। देखो ये आपका CH3CCH3CH3OCH2CH CH3CH3, आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। तो कैसे लिखोगे बच्चों इसका IUPAC नेम कैसे लिखोगे? ध्यान से समझना। ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, ठीक है। इस तरफ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा 1 2 3, तो यहाँ पर ये सब्सिट्यूएंट, यहाँ पर ये सब्सिट्यूएंट। अब देखो दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकते हैं आपके, कितने? दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर मैंने ये वाला चेन को माना है तो यहाँ पर 1 2 3, और इसको मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानता हूँ। अगर मैंने इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन माना है तो क्या हो जाएगा? 2। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों? 2 मेथेन, इसका नाम आपका क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, इसका नाम हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, और ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ध्यान से समझना बच्चों, ये दोनों आपके सब्सिट्यूएंट है। इसका इस सब्सिट्यूएंट का नाम क्या होगा? 1 2 3, 2 मिथाइल, ये आपका प्रोपॉक्सी, ठीक है। देखो 2 से आपका जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल, और ये वाला सब्सिट्यूएंट आपका क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्सी, और ये आपका क्या हो जाएगा? मिथाइल, ठीक है। 2 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, 2
मिथाइल प्रोपेन, या इसका IUPAC नेम होगा। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 79। अब देखो कार्बोलिक एसिड मतलब आपका क्या, फिनोल। फिनोल को अगर मैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे गर्म करूँ, मतलब 300 केल्विन पे अगर मैं गर्म करूँ H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है बच्चों, SO3H और ये आपका OH। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, 2-phenyl sulfonic acid, 2-phenol, यहाँ पर फिनोल होगा, 2-phenol sulfonic acid। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 79 हो गया, अब देखो अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इथेनॉल की रिएक्शन आपको डाई मिथाइल ईथर के साथ करवाना है। इथेनॉल की रिएक्शन आपको डाई मिथाइल ईथर के साथ करवाना है, तो इथेनॉल की रिएक्शन अगर आप डाई मिथाइल ईथर के साथ, यहाँ पर इथेनॉल डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर के साथ सेम इम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपका हाइयर है डाई मिथाइल ईथर में, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आपका, यहाँ पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर है, यहाँ पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हायर क्यों होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये तो मैंने करवाया था, ये आपका 80 क्वेश्चन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, सी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक, अब यहाँ पर 81 में फिनोल में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होता है बच्चों, ये तो आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो इसीलिए कहाँ होगा बच्चों आपका, कहाँ होगा बच्चों, किस पोजीशन पे होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ 82 क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH की रिएक्शन, अगर मैंने इथाइल क्लोराइड बनाना हो तो किसके साथ बनाएंगे बच्चों, SOCl2। ये तो सिंगल करेक्ट, ये तो आपका एक बार में ही क्वेश्चन सही होने वाले क्वेश्चन है, ये हो गया 82। अब यहाँ पर 83 देख लेते बच्चों, कौन सा आपका लिस्ट सोल्यूबल है वाटर में, तो मैंने आपको बताया था बच्चों 83 का, यहाँ पर देख लेते 83 सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पर 83 सोल्यूबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब अल्काइल ग्रुप किस में मैक्सिमम है बच्चों, डी में, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, C10H21OH। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 84 विच इज नॉट करेक्ट, अब इसमें से आपका कौन सा करेक्ट नहीं है देख लेते हैं। यहाँ पर इथेनॉल और इथेन के बारे में दिया, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा, ए ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। फिनोल और आपका किसका दिया है, एसिटिक एसिड, फिनोल और एसिटिक एसिड, आप देखो यहाँ पर CH3COOH, इन दोनों में से ये एसिडिक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन इथेनॉल और फिनोल, आपको बोला गया है कि यहाँ पर ये, अब इथेनॉल और फिनोल में से कौन आपका एसिडिक होगा बच्चों, ये होगा, ठीक है सी ऑप्शन, इथेनॉल इज हायर बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बच्चों सही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ये आपका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इथेन इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, इथेन आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है, करेक्ट है बच्चों, क्योंकि ये आपका टेट्राहाइड्रल होता है ना, तो यहाँ पर डी आपका क्या है, इथेन आपका सही में नॉन लीनियर होगा ड्यू टू द SP3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की वजह से ये आपका नॉन लीनियर होता है। आप देखो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर इसकी ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दिस, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ए के बारे में ध्यान से समझो, ए आपको दिया हुआ है ऐसा, लेकिन एक्चुअली में कैसे होगा बच्चों, मैं ब्लू मार्कर से बनाता हूँ, रियलिस्टिक में आपका ऐसा होगा, तो ये आपका गलत है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्लिसरॉल रिएक्ट विद पोटेशियम बाई सल्फेट, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लिसरॉल CH2OH CHOH
और यहाँ पर CH2OH ग्लिसरॉल की रिएक्शन KHSO4 के साथ कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 473 केल्विन और 503 केल्विन, ठीक है। अब देखो किस तरीके से होगा रिएक्शन को ध्यान से समझना बच्चों। ये मैंने HCCOHH2, यहाँ पर CHOH, अब देखो यहाँ पर मैंने OH यहाँ बनाया, यहाँ पर H में यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पर OH बनाता हूँ, यहाँ पर CHOH बनाता हूँ, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका रिएक्शन है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रेशन, ये इससे जाएगा, ये वाला इसको लेगा, तो अब आपका क्या बनेगा CH2। देखो ये इसके साथ H2O नहीं निकलेगा, दो मोल H2O निकलेगा, यहाँ पर ये इस तरीके से, यहाँ पर ये इस तरीके से CHOH, ये आपका कौन सा फॉर्म होगा, इनोल फॉर्म। अगर मैं इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर ये आपका बन जाएगा CH2CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ऐसा हो जाएगा बच्चों ये आपका। इसको एक बार कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो ये आपका यहाँ जाएगा CH, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कैसे हो जाएगा बच्चों, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्रोलीन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, एक्रोलीन बोलते बच्चों हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 86। बेटा 86 क्वेश्चन का मैं अभी ऑप्शन ही बताता हूँ, क्यों, क्योंकि ये मैं आपको डिस्कस करूँगा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, ये आपका टेस्ट है बच्चों, लिबरमान टेस्ट, लिबरमान रिएक्शन होता है बच्चों आपका किसके लिए, फिनोल के लिए, ठीक है, फिनोल के लिए भी होता है और भी कंपाउंड के लिए होता है ये अब हम कहाँ पढ़ेंगे, डाई एजोनियम सॉल्ट में, एक और बार डाई एजोनियम सॉल्ट आएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, तो ये मैं वहाँ बताऊँगा बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा स्टार्क मार्क कर लेना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने हिसाब से। अब हम देखते हैं बच्चों 87 क्वेश्चन। अब इसको लिबरमान टेस्ट क्यों बोलेंगे बच्चों, ध्यान से समझना है, इसको मैं सिंपल आपको बता देता हूँ एक बार, कि यहाँ पर फिनोल होगा, फिनोल की रिएक्शन आपका NaNO2 के साथ कराएंगे, यहाँ पर HO NO2 के साथ कराएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से OH, तो यहाँ पर आपका इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम यहाँ पर क्या है बच्चों, ये आपका इनोल फॉर्म है, इसका टोटोमर कराएंगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर NOH बन जाएगा और यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा किसी फिनोल के साथ, तो यहाँ पर ब्लू कलर का डाई बनाएगा, तो इसी वजह से ब्लू कलर का डाई बनेगा और यहाँ पर आपका HNO3 और यहाँ पर H2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू कलर का डाई बनाएगा और ब्लू कलर का डाई बनाएगा, तो यहाँ पर लिबरमान टेस्ट है बच्चों, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, मैं इसको आगे आपको डिस्कस करने वाला हूँ, मैं इसका आपको आगे डिस्कशन लेने वाला हूँ बच्चों, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना बस, ठीक है। आपका 86 क्वेश्चन, अब देखो 87 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैलिसिलिक एसिड, ध्यान से समझना 87 क्वेश्चन, ये भी आपका थोड़ा सा टफ था बच्चों आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने सैलिसिलिक एसिड बना दिया, इसकी रिएक्शन अगर मैं हीट दे के कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराता हूँ तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन टेस्ट, वेरी गुड, तो यहाँ पर Na2CO3, ये बात की बात है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर मिथाइल OH, तो यहाँ पर क्या बनाएगा बच्चों OH, यहाँ पर ये आपका OCH3, इसी को हम क्या बोलते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट, ठीक है, मिथाइल सैलिसाइलेट, और यही आपका क्या होता है बच्चों ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपके मगअप करने वाले रिएक्शन है, थोड़े से इसको ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसमें से 88 क्वेश्चन, विच कैन नॉट गिव वो आयोडोफॉर्म टेस्ट, देखो वन प्रोपेनॉल मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, वन प्रोपेनॉल मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना दिया, ये आपका देगा या नहीं देगा, देखो इसका अगर ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये आपका CH3CH2COH, ये आपका नहीं देगा, ठीक है।
बी ऑप्शन, बी ऑप्शन देख लेते बच्चों, इथेनॉल CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, CH3CH3COH। देखो यहाँ पर ये वाला फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा इसका मतलब ये आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी प्रोसीड करेगा। बी हो गया, अब सी देख लेते बच्चों, टू प्रोपेनॉल, टू प्रोपेनॉल का मतलब आपका क्या, CH3COH CH3। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी ये वाला फ्रेगमेंट आपका प्रेजेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो मैंने आपको एल्काइल वो हैलाइड में पढ़ाई थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में पढ़ाई थी वही है बच्चों, तो ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेक्स्ट डी, डी आपका क्या है बच्चों, इथेनॉल, मतलब ये आपका CH3COH। यहाँ पर भी आपका ये वाला फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, फ्रेगमेंट प्रेजेंट होगा मतलब ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। आई होप सो कि यहाँ पर केवल और केवल ए ऑप्शन आपका हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 89। अब देखो क्वेश्चन नंबर 89 आपका क्या है कि कौन सा हाइपो आयोडाइड, देखो 89 हाइपो आयोडाइड का मतलब क्या हो गया बच्चों, हाइपो आयोडाइड का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कौन सा पेयर आपका हाइपो आयोडाइड के साथ अलग होगा। ठीक है बच्चों देख लेते हैं, तो हाइपो आयोडाइड सोडियम NaOI का मतलब आपका क्या है, हेलोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर आपका कौन करेगा, ये केवल और केवल आपका एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के काम आएगा, ध्यान रखना एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के काम आएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ए। ठीक है नेक्स्ट आपका 90 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, मिथाइल एल्कोहल को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, मिथाइल एल्कोहल को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, CO+H2 की रिएक्शन जब हम कराएंगे बच्चों तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर क्या बनेगा, CH3OH। ये मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन को अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है तो बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, हाइपो आयोडाइड मतलब NaOI बेटा आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए काम आता है। ठीक है हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए काम में आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है बच्चों देखो इसका ऑक्सीडाइज हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में हाइपो आयोडाइड आपका ऑक्सीडाइजेशन कराएगा, तो इसका ऑक्सीडाइज मतलब ये आपका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये आपका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, ये आपका कीटोन में ही कन्वर्ट होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना बच्चों 89 को। ठीक है अब ये यहाँ पर आप आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों, अब आपके यहाँ तक पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है, और ये कुछ क्वेश्चन है हाइपो आयोडाइड वाले जो कि मैं आपको आगे एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में लूँगा, क्योंकि वहीं आपके ज़्यादा काम में आएंगे। और यहाँ पर एक आपका चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 86 लिबरमान टेस्ट, जो कि मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपका लेने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।